वो करने के लिए हमें एक बहुत फौरी व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं पूरी चीज को एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नंबर वन जो है, हमें जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे ऑडियो में हो या वीडियो फॉर्मेट में हो, उसके डिपेंडिंग अपॉन क्या कंटेंट है, वो उसके ऊपर का जो सबसे पहली लेयर है उससे समझ में आ जाना चाहिए। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि जिस चीज में हमारी रुचि नहीं है उसको देखने में हम तब समय बिताएं जब हमारे पास फालतू का समय हो। यदि हमारे पास कम समय है तो वी कैन सिलेक्टिवली वॉच द कंसर्न वीडियो एंड ऑडियोज विच कंसर्न टू अवर एरिया ऑफ कंसर्न और अवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अवर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, वेयर वी विश टू कंट्रीब्यूट, जहां हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। राइट जी, बिल्कुल राइट। अब ये जमीन पे कैसे उतर रहा है? जमीन पे उतर रहा है ज्वाइंट वेंचर के तहत, राइट। तो हमें एक व्यवस्था करना पड़ेगी कि डिफरेंट तरीके के ज्वाइंट वेंचर के एक तो कंटेंट तैयार करें, राइट। कंटेंट में हम वो सब बातें आना चाहिए जो हम जवानी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको ये फायदे होंगे, ये वैसा होगा, करेक्ट। देन जो है उसको लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। पहली इन्फॉर्मेशन होगी आइडेंटिटी ऑफ द ज्वाइंट वेंचरर, मतलब जो हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, राइट। दूसरी आइडेंटिटी रहेगी आइडेंटिटी ऑफ हिज एरिया, राइट। तो फार्म है तो फार्म की आइडेंटिटी हो गई, राइट। यदि जो है एग्रो इंडस्ट्री है तो एग्रो इंडस्ट्री की आइडेंटिटी हो गई, राइट। और वो कौन सी मशीन बना रहा है उसकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना। देन जो है उसका आउटपुट कैपेसिटी, वो सब चीजें उसमें कैप्चर कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। देन वी कैन से द एरिया ऑफ द फर्दर स्पेशलाइजेशन, राइट। तो जैसे अपन कह रहे हैं कि जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उन्हें प्रेजेंट फॉर्मेट में अपन को नहीं स्वीकार करना है, हालांकि इमीडिएटली दे विल बी टेकन एज इट इज, राइट। लेकिन हमारा मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिसमें आरएफआईडी लगाना, जीपीएस लगाना, राइट, और अलग अलग तरीके के आईओटी डिवाइसेस उसमें फिट करना, जिससे कि कोई गड़बड़ी करना है तो उसको अपन गड़बड़ी होने से रोक पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि अज्यूम करिए कि हम एक्सीडेंट फ्री भारत चाहते हैं, राइट, तो एक्सीडेंट के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, राइट। पहला फैक्टर यह है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ठीक ढंग से उसे मिला के नहीं मिला, तो वो अपन बाद में देखेंगे। पहले आइडेंटिटी ऑफ द ड्राइविंग द ड्राइवर, राइट, एंड कैप्चरिंग हिज ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। अब हम तो महान देश हैं तो हम दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस को स्वाप कर देंगे और चलाने के लिए कोई दूसरा बैठ जाएगा, राइट। तो उसी गाड़ी में एक कैमरा लगेगा रहेगा जो कि बैकएंड पे जो है ना मैच करेगा, और यदि सही है तो कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, हे मिस्टर सो एंड सो, यू आर वेलकम टू ड्राइव द व्हीकल, राइट, व्हीकल इज इन ए फिट कंडीशन फॉर योर ड्राइविंग, राइट। ओके, यदि मैच नहीं करेगा तो कहेगा, हे मिस्टर विकास, हे मिस्टर एस, यू आर यूजिंग रॉन्ग आइडेंटिटी, दिस इज द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एंड दिस योर चालान इज बीइंग क्रिएटेड। अभी गाड़ी चली नहीं है, आपका चालान क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। सही बात है सर, ठीक है ना। अब आप देखिए कि तीसरी प्रॉब्लम है कि सर आप पी के गाड़ी चलाते हैं, राइट। तो गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जिसमें एक आईओटी डिवाइस रहेगा जिसका काम है कि सेंसर फॉर द एल्कोहल। तो आपसे कहेगा कि आप इसमें वो दीजिए, एक अपनी ब्रेथ दीजिए, राइट। ब्रेथ को बैकएंड इंजन एनालाइज करके कहेगा, और अज्यूम करिए कि आपका ब्रेथ ठीक है, आप यू आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द लिकर, सो यू कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन फिट कंडीशन टू ड्राइव व्हीकल, राइट। सही बात है सर। अच्छा, यदि नहीं है तो उसने कहा यू आर अटेम्प्टेड टू ड्राइव व्हीकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, गाड़ी नहीं चली है अभी और आपका चालान हो गया, राइट। अब अपन देखें कि गाड़ी जो है आपका हम लॉन्ग आवर्स ड्राइव करते हैं, स्पेशली ये ट्रक रक ड्राइवर्स के साथ बहुत होता है। मालिक जो है ना वो कम ड्राइवर्स को रखते हैं और वो ओवर एग्जर्शन में गाड़ी ड्राइव करता है। कई बार जो है वो एक ड्राइवर के एक गाड़ी चला ली और फिर उसके बाद जो है ना दूसरे के यहां भी शिफ्ट कर लिया उसने, तो बिकॉज यू वॉन्ट टू अर्न मोर, राइट। आपका तो
इस चीज को बड़ा आसानी से हो सकता है जब आप गाड़ी में ड्राइविंग में बैठेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी जानता है, आपके बैकएंड जो है ना लाइव उसमें डाटाबेस में जा रहा है कि आपने कितने बजे कौन सी गाड़ी कितने बजे से कितने बजे तक चलाई, राइट। अब आपने जो है ना जैसे ही आपका 8 घंटे का रिज्यूम करिए, 7 घंटे वट एवर द टाइम बी फिक्स, उसके 15 मिनट या आधा घंटे पहले वो कहेगा हे यू आर लेफ्ट विद द 30 मिनट ऑफ ड्राइविंग टाइम। श्योर सर, ये बात से हाँ ये हो सकता है, सकता है राइट। अच्छा अब रिज्यूम करिए कि इस गाड़ी से निकल के आप दूसरी गाड़ी में चलाने चल दिए, तो चूंकि वो तो डाटाबेस तो आपका वही है, तो कहेगा हे मिस्टर यस यू हैव ऑलरेडी ड्रिवन फ्रॉम दिस दिस, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव फॉर दिस मेनी आवर्स। सही बात, यू आर एडवाइज टू टेक रेस्ट, राइट। अब जो है आपने जितने भी ये ट्रैफिक लाइट्स लगाई हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो स्पीड स्पीड एंड कंजेशन। तो हमारी जो पूरी सिस्टम है इट शुड बी व्हाट आई वुड लाइक टू से कि इट शुड बी ट्रैफिक लाइट लेस, मतलब विदाउट ट्रैफिक लाइट, राइट। तो वो कैसे होगा, इसका मतलब है कोई इंटरसेक्शन और वो ही नहीं होगा, अप्रोप्रिएट पॉइंट पे आप यू टर्न लेके अपने अप्रोप्रिएट लेन में जाइए, राइट। बिल्कुल, जैसे गूगल है वो आपको कहां से कहां जाना चाहते हैं तो कहां से आपको यू टर्न लेना वो बता देगा, राइट। अब तीसरी प्रॉब्लम है कि हम गाड़ियां सटा के खड़ा कर देते हैं, राइट। तो आपका जो है ना सेटेलाइट से सेंसर से हमने हर गाड़ी के ऊपर जो है गाड़ी की आइडेंटिटी का जो है ना वो लगा दिया, चिप लगा दी, राइट। तो अब हमें कैमरा से रीड नहीं करना पड़ेगा, राइट। वी नो विच व्हीकल इज मूविंग, राइट। व्हीकल में कौन सा ड्राइवर है हमें ये भी मालूम है, वो फिट कर, हमें सब कुछ मालूम है उसके बारे में, राइट। अब यदि वो गाड़ी क्लोज ले जाता है तो इमीडिएटली दैट्स बैकएंड इंजन विल टेक द स्नैप एंड विल क्रिएट ए प्रोजेक्ट विल प्रोजेक्ट यू। तो जब गाड़ी जो मिनिमम डिस्टेंस है वही जो है ना उससे क्लोजर नहीं आएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना ही नहीं है, कंजेशन की संभावना ही नहीं है। कंजेशन इसलिए हो रहा है कि हम गाड़ी बीच में घुसा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट ओविंग एनी लेन डिसिप्लिन। लेकिन किसी को ये सब चीजें सोचना पड़ेंगी ना। देखिए मैंने इतने आसानी से बता दिया कि कैसे हम एक्सीडेंट फ्री भारत बना पाएंगे। ये बिल्कुल सर ADSR हो गई, ये टेक्नोलॉजी है ना जिसमें लेन डिटेक्शन सिस्टम होता है। एक नहीं, वी हैव टू गो एंड टू एंड सॉल्यूशन। अब अज्यूम करिए पुरानी गाड़ियां हैं तो नियम बना दें अपन कि तुम रोड पे तभी ला पाओगे जब ये एडिशनल अटैचमेंट लगेगा। सही बात है। इफ यू आर फाउंड विदाउट दैट अटैचमेंट तो ऊपर से जो है ना चूंकि आपको सेंसर नहीं कर पाएगा कि साहब आगे ड्राइवर यहां से निकला फलाना निकला है, तो वो 2 मिनट में जो है ना कहेगा सर दीज मैनी व्हीकल्स आर जो है ना विदाउट अटैचमेंट। मतलब हम आदमी के ऊपर बात न सोचे तो हमें कंप्लायंस के लिए पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो वायलेट करेगा उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, आम के आम गुटलियों के नाम। नहीं बिल्कुल सही बात है सर। तो ये सोच एक्चुअली में हम बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं और जो जिनका काम सोचना हो कि नियम कानून बनाना है उनकी ना तो सोच है ना शिक्षा है ना विचार है ना आचार है, वो दूसरे धंधों में लगे हुए हैं। ये बात सही है सर। सो ये बहुत जरूरी है कि जो और कोई नहीं सोच पा रहा है वो CFB सोचेगा। जैसे हमने कहा एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन, जैसे हम कह रहे हैं एक्सीडेंट फ्री भारत। जी सर, तो CFB ने निर्णय लिया है कि जो और कोई नहीं सोचेगा वो मैथिली शरण गुप्त सोचेंगे और अंडर प्लेटफॉर्म ऑफ द CFB वी विल बी क्रिएटिंग नट एंड बोल्ट्स टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग टू मेक इट हैपन, राइट। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। अब ये जरूरी है कि देखो बच्चे बहुत हैं, सब पे काम कर सकते हैं। अब अज्यूम करिए कि इसी ऑडियो को आप कल पब्लिश करते हो, राइट। और आप उसमें अपील करते हो कि जो लोग इस चीज को समझ के इससे जुड़ना चाहते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो दे शुड जो है अप्लाई इन थ्रू द लिंक विच इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। देन वो आदमी जिसने थोड़ा सा भी फेवरेबल व्यूज बन रहे हैं ही कैन ज्वाइन यू, राइट। एक दूसरी लिंक हो सकती है जिसमें इफ यू आर हैविंग सर्टेन क्वेरीज प्लीज जो है ना, तो जो मेंबर नहीं बनना चाहता लेकिन उसके दिमाग में जिज्ञासा है और वो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ ये इनेबलिंग हमें हर चीज में लाना पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें फार्मर्स को जोड़ना है, हमें जो है ना नर्सरी वालों को जोड़ना है, हमें ब्रीडिंग सेंटर्स को जोड़ना है, जो हर खेत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, सेट बनाएगा, सेट के ऊपर जो सोलर सिस्टम लगाएगा उसको जोड़ना है, उसके अंदर जो मंत्रों को चलाने के लिए बहुत सुरीलतम
एडवांस क्वालिटी का साउंड सिस्टम लगाना है, उन लोगों को जोड़ना है, जो यांत्रिक ढंग से हवन चलाएगा उसको जोड़ना है, जो गायों को जो है ना ब्रशिंग करने का होगा, गायों को नहलाने की जो व्यवस्था है वो लगाएगा। ये गाय केवल दूध देने की मशीन नहीं होंगी, वो सही में गाय माता होंगी जिनकी पूजा भी की जाएगी, उनको बड़ी टोकन फीस पे आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा वैसे ही होती है जैसे आप नर्मदा की आरती उतारते हो, गंगा की आरती उतारते हो, गाय माता की आरती करिए, आनंद ही आनंद है, करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है राइट। ऐसे ही गाय को जो है ना चारा खिलाना चाहते हैं, चारा भी वहां उपलब्ध है, आप खिलाइए, टोकन फीस में जो है ना आपको चारा वहीं पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप खिलाइए, गाय माता की भी सेवा हो रही है, उनको भोजन भी मिल रहा है, आपको पुण्य भी मिल रहा है राइट। अब एक तीसरी चीज आ गई है कि आप जो है गाय के साथ जितना समय बिताएंगे, उसको गले लगाएंगे, तो इट विल हैंडल एन नंबर ऑफ डिसीजेज इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन राइट। आप यू विल कम इन हैप्पी मूड राइट। कुछ बीमारियां भी विलोपित हो जाएंगी। तो आपको जो है ना इतनी सारी गायें हैं, आपको जो है ना गले लगाने का मिलन, गाय मिलन का जो है ना एक वहीं पे एक सिस्टम सेंटर रहेगा जिसमें आप गाय मिलन कर सकते हैं, पे टोकन फीस। जी सर राइट। तो इस तरीके से जैसे मान लो बी कीपिंग है, तो एक मेडिसिनल पार्क में जो है ना हर जगह जो है ना बी कीपिंग होगी राइट। और वो जो मेडिसिनल पार्क है वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन को डेडिकेटेड रहेगा। अब उसके फ्लावर से जो शहद बनेगी, उस शहद में निश्चित तौर पर शहद के साथ साथ उस डिसीज के को हैंडल करने के इंग्रेडिएंट भी आ जाएंगे राइट। बिल्कुल। तो उस शहद में के साथ हम जो है ना वो अलग से भी मिला सकते हैं और वो शहद के मूल गुण में भी आ जाएगा राइट। ऐसे ही गाय को जो है हम न्यूट्रिशियस के साथ साथ जो है ना मेडिसिनल प्लांट भी देंगे। और जो आप मंत्र सुना रहे हैं, जो आप हवन कर रहे हैं, उसकी जो चीज जा रही है, क्योंकि ये सूक्ष्म एनर्जी गाय के सोच पे, चिंतन पे, भाव पे असर डालेगी, तो उसका दूध, उसका मूत्र, उसका गोबर आज की गाय से भिन्न होगा। बिल्कुल। इट विल बी हैविंग डिफरेंट एनर्जी। अब इन सब लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे अज्यूम करिए कि आपकी बात से कोई प्रभावित भी हो गया राइट। आपने देखा होगा हम हर जगह अपना मोबाइल नंबर देते हैं, देते हैं लोग, अपना मोबाइल नंबर छिपाते हैं और हम हर जगह अपना मोबाइल नंबर देते हैं। एटलीस्ट आप जिस पोस्ट उस पर तो सब छुपाते हैं सर। उसका रीजन ये है कि यदि कोई लाइक माइंडेड व्यक्ति है, ही कैन गिव ए ट्रिंकल। हालांकि उसे ये लगेगा कि मैं डीजी साहब को कैसे फोन लगाएं, ये उसके मन में जो है ना थोड़ा सा वो हो सकता है राइट। तो जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है तो हमसे हेलो हाय करने के लिए कोई फोन ना लगाए राइट। और दूसरी बात है कि हमसे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी फोन ना लगाए। आई एम नॉट ए ऑफिस टू सॉल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो है फलाना है, वो हमारी यहाँ की व्यवस्था करा दें। आई एम नॉट हिज ऑफिस टू डू योर अरेंजमेंट। इट इज ए प्रोफेशनल पार्टनरशिप फॉर ए कॉज राइट। उस कॉज में जुड़ के आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यदि वो आप बात करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मोबाइल नंबर है। यदि आप व्यक्तिगत हित के लिए करेंगे तो आई विल टेक ए सेकंड टू ब्लॉक यू। श्योर, सही बात है। मुझे जो है ना अपना नंबर छिपाने की जरूरत नहीं, हम आपको ब्लॉक कर देंगे और आपके उसमें कमेंट लिख देंगे कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, ये उपयोग करना चाहता है। और यही कारण है हमने क्राइम फ्री भारत में कहा कि वी विल नॉट हैंडल एनीथिंग एट द पर्सनल लेवल। हमारा कोई भी वॉलंटियर किसी भी अधिकारी को फोन नहीं करेगा। हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट विल गो राइट, उसका कंपाइलेशन करेगा। वो डिजिटल डॉक्यूमेंट से आज मोटिकाल के लोग शायद ना डरें, लेकिन जब उसका कंपाइलेशन बढ़ता जाएगा तो हर किसी को वो भयक्रांत करेगा। और जो भयक्रांत नहीं होगा वो उसका जो है ना परिणाम भुगतेगा। तो एक व्यवस्था पैदा करना है। तो इसको एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं। एक तो यह है कि जो ऑडियो वीडियो है इनका इम्पैक्ट इम्प्रूव करने के लिए हमें एक टीम बनाना चाहिए राइट। और लाइक माइंडेड लोगों को उसमें खोजो और जोड़ो और जल्दी से करें राइट। उसमें सबटाइटलिंग और इस तरीके की चीजें भी करें। हमारा प्रयास रहे कि हम इनकी जो है ना डबिंग वाली बात भी करें, ठीक है ना, जिससे कि हमारी रीच जो है उन गांव वालों तक भी पहुंच पाए जो कि हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझते हैं राइट। तो उन्हें उनकी भाषा में जो है ना डबिंग क्यों नहीं हो सकती है। यदि जो है
सदगुरु जो है वासुदेव जी जो है ना डबिंग कर सकते हैं, तो हम एक लार्जर और बहुत बड़े कॉज का जिसमें धन की वर्षा होने वाली है, हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। नंबर टू जो है, हमारे इन सब के लिए हम जो भी अपेक्षा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्रोशर्स तैयार करने की हम वो करें, तो हमारी एक टीम लगे जो ब्रोशर्स तैयार करें, राइट? सही। फिर जो है ना उसी में फॉर्म आ जाना चाहिए, तो जैसे ही वो फॉर्म भेजता है आपके पास पूरी चीजें आ गई हैं, उसको उनको ब्रोशर और डिटेल भेज दें, वी कैन स्टार्ट टॉकिंग के आप कल से काम चालू कर दीजिए। बिल्कुल 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 राइट। आप ज्वाइंट वेंचर बन गया तो ज्वाइंट वेंचर का डॉक्यूमेंट के साथ ही हमें क्रेडिट लिमिट की बात करना चाहिए, ठीक है ना? तो क्रेडिट लिमिट का डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाए, एफपीओ बना रहे हैं तो एफपीओ की डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाए, राइट? जिससे कि एक से जो दूसरा रिलेटेड डिसीजन है उसमें डिले ना हो, लेट इट बी डन इन ए वेरी सिंक्रोनाइज फैशन, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये चीज हो, क्योंकि हम बातचीत करके किसी का भला नहीं कर सकते। यदि हम मॉडल को जमीन पर उतार देंगे तो हर जगह हेल्थ वेल्थ होगी, जो कोई सोच नहीं सकता है वो हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे राजनेता तो कैसे सत्ता पे काबिज हो उसी में वो उनका धर्म बन गया है, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी का कोई व्यक्ति उनसे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसे देके वो किसको अपनी तरफ मिला ले, राइट? उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो है क्रिमिनल है कि कैसा है, क्रिमिनल्स उनको ज्यादा सुहा रहे हैं क्योंकि उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। हमें हमेशा भय पैदा होता है कि 42% तो हम ऑलरेडी क्रिमिनल पे पहुंच गए हैं, 2024 क्या 50% का आंकड़ा क्रॉस करेगा, जो मुझे लगता है निश्चित रूप से करेगा। और यदि हमारे नेताओं में 50% लोग जो है ना वो 50% से ज्यादा लोग क्रिमिनल्स होंगे, तो फिर तो ये डेमोक्रेसी की जगह क्रिमिनोक्रेसी हो जाएगी ना, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स बाय द क्रिमिनल्स फॉर द क्रिमिनल्स। कानून बनाने की क्षमता भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, सब कुछ उनका है, और उनके टॉप पे वो क्रिमिनल भी है और मोटी खाल वाले भी है। वो आपको ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा देंगे कि आप एक दूसरी गुलामी में पहुंच जाएंगे। सही बात है सर, राइट? तो इसके पहले बहुत लेट हो, हमें उन सभी शक्तियों को जोड़ लेना है जिससे हम देश को जो है अपने नेचर को केमिकल फ्री कैसे कर पाए, उसको जो है ना वो वहां से कैंसर और ऑटोनोमस डिजीजेस को विलुप्त कर पाए, क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रही है, इट इज एजुकेशन ऑफ आवर ओन सेल अगेंस्ट आवर सेल, राइट? क्योंकि हमने केमिकल्स, हार्मोन्स, किचन में, बाथरूम में इतने सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, फिर हम नकली दूध बना रहे हैं, ये सब चीजें क्यूमुलेटिव ढंग से जो है उन्होंने इतना अत्याचार कर दिया है कि जो इतनी अच्छी जो है ना सेल आपकी बॉडी में जो कि रेप्लिकेट करती है, 7 साल में जो ना सभी सेल आपकी बदल जाती हैं, इतनी पावरफुल व्यवस्था को हम अपनी दुष्टता से कंफ्यूज कर पाए हैं, और उसके कारण ही कैंसर हो रहा है, उसी के कारण ऑटोनोमस डिसीज हो रही है। तो यदि पॉजिटिव फैक्टर विलोपित हो जाएंगे तो कैंसर गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत सारे पंडितों ने कहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये होगा, वो होगा, और आपका जो है ना थर्ड जो है ना वर्ल्ड वार विल हैपन बिकॉज ऑफ वाटर क्राइसिस, राइट? बिल्कुल। जब हम पूरे सभी खेतों में 10 फीट गहरी टनल्स आपस में जुड़ी रहेंगी तो वाटर इतनी तेजी से, और उसके ऊपर ढेर सारे प्लांट्स रहेंगे जो कि वाटर को परकुलेशन की स्पीड को बढ़ा देंगे, हम उसमें एक्वा कल्चर भी कर पाएंगे, और हम उसमें एक्वा प्लांट, एक्वा लाइफ सभी को क्रिएट करके वी विल क्रिएट दैट ऑल्सो एज ए रिसोर्स। तो आपको लगता है कि हमारा पानी नीचे जाएगा? यहाँ केमिकल मुक्त हो गया तो उसमें जो ना गंदगी नहीं जा रही है, ऊपर से जो है ना हमने पानी की रिचार्जिंग इतनी कर दी है तो हमारे फ्लड की प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रॉट की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? और पानी हमारे 8 या 10 फीट पे आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम है क्या ये? हाँ, लेकिन हमारी जितनी भी जेसीबीज है और जितनी जेसीबी हम और बना सकते हैं उन सबको हमें जो है ना काम पे लगाना पड़ेगा 24 घंटे। कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा? तो अब ये चीजें बातों से नहीं चलेंगी, इसका मतलब है कि हमें इसके लिए फॉर्म बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स बनाना चाहिए, और जो जुड़ता जाए उसे काम पे लगाते जाओ। सही बात है सर। और हर चीज लीगली ज्वाइंट वेंचर के डॉक्यूमेंट तैयार हो, आगे के अंडरस्टैंडिंग के तैयार हो, यदि वो क्रेडिट किसान कार्ड है तो उसकी लिंकिंग हो, राइट? दैट शुड बिकम द सीड मनी।
हम ढेर सारे जो है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का जो है ना प्लांट्स लगाएं, उनके लिए एफपीओज बनाएं, एफपीओज के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो नाबार्ड से जो जो भी जो है ना शासन ने ऑलरेडी प्रावधान किया है उसका यूज करके दैट विल बिकम द सीड मनी फॉर सीएफबी। और चूंकि सीएफबी ने करेंसी पे विजय पा ली है थ्रू द सीएफबी वॉलेट, तो हमें तो जब जब कोई व्यक्ति जो है ना उसको वॉलेट पॉइंट्स को रुपए में एक्सचेंज करेगा तब हमें पैसे की जरूरत है, राइट। जैसे ही हमारा इकोसिस्टम बढ़ जाएगा हमें पैसे की आवश्यकता कम होती जाएगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम वर्ल्ड की बिगेस्ट R&D हब इंडिया को बनाएंगे। सही बात है सर, डू यू एग्री विद मी? ये सही है, हमारे पास ज्ञानी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको दिशा नहीं है, तो वो स्टार्टअप अपनी समस्या नहीं खोजेंगे, हम उनको बताएंगे कि साहब एंड टू एंड है, दिस इज द एरिया, कम फॉरवर्ड, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू डिजाइन सॉल्यूशन फॉर इट। अभी क्या हो रहा है कि 100 बच्चों को एक जैसी बातें लग रही हैं, सब 100 बच्चे एक ही जैसी जो है आउटपुट बना दे रहे हैं। सही बात है सर, तो उससे एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन क्रिएट करना है विथ कैप्चरिंग एवरीथिंग सो दैट विदाउट सुपरवाइजर हमारे पास एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा हो, राइट, जो आपको कुछ गलत करने ही ना दे। अब कोई गलत नहीं कर रहा है, राइट, और 24 घंटे लगा हुआ है, तो हमारी समृद्धि कितनी बड़ी होगी। हम 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन नहीं 100 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी पहुंच जाएंगे। हाँ ये बात भी सही है सर, क्योंकि जब चारों तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, चारों तरफ चीजें हो रही हैं, और उसको करने के लिए देखिए आपको सब चीजें यहीं की लग रही हैं, खाना यहीं खा रहे हो, फल यहीं के खा रहे हो, दूध यहीं का खा रहे हो, दही यहीं का खा रहे हो, राइट, और जो आपसे निकल रहा है वो भी जाके जो है ना इट इज एडिंग टू द वैल्यू सिस्टम इंक्लूडिंग योर ओन एक्सक्रीटा, राइट। तो नेचर में कोई चीज व्यर्थ नहीं है और अबंडेंस में पैदा हो रही है। तो आपको जो है अब आपकी केवल लेके देखिए एक एनर्जी नीड है जिसमें आपको बाहर से हो सकता है कि POL मंगाना पड़े, तो लेट्स शिफ्ट टू द एथेनॉल, मेथेनॉल, CNG, राइट, सोलर सिस्टम एंड ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, विंड एनर्जी, एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो जहां हो सकता है वो भी कर सकते हैं, राइट, एंड देन वी विल बी ए एक्सपोर्टर ऑफ द एनर्जी। तो जब आपकी एनर्जी के ही पैसे नहीं लग रहे हैं तो आप यहां की चीज यहीं पे यूज कर रहे हो और वो भी अबंडेंस में है, तो आप गरीब कैसे हो सकते हो? हाँ ये बात तो सही है सर, जब सब चीज अनलिमिटेड है इंक्लूडिंग योर मैन पावर, आपकी सोच, आपकी इनेबलिंग, और आपको गलत करने की जो है ना आजादी खत्म कर दी है, राइट जी सर। जैसे अभी हमने आपको बताया एक्सीडेंट फ्री भारत में कि आप गाड़ी पे बैठे गलत ड्राइविंग लाइसेंस से आपका चालान कट गया, राइट, आप दारू पी के बैठे अभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी ना जब तक वो जो है ना आप उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे, राइट। तो जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं एक्सीडेंट्स के वो विलोपित हो जाएंगे, कंजेशन विलोपित हो जाएगा, आपको तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस जो है ना विल बी यूज सिलेक्टिवली, और पुलिस को यदि आप ह्यूमन वॉलंटियर से जो है ना वो कर दोगे तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। पुलिस हमको जो है ना कुछ लाइन ऑर्डर इस तरीके की चीजें, फिर लाइन ऑर्डर भी क्यों होना चाहिए, यदि सभी को सभी चीज में आस्था है तो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं आएगा। बात सही है, तो मिस्टर एस अभी आप जो है इसको 1, 2, 3 करके अपने पॉइंट बनाइए कि ये पॉइंट है हमारे और मुझे भेजिए, राइट, एंड देन पुट द टीम, तो वो टीम जो है ना उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करे, ये करे वो करे, और उसको जो है सो दैट कंपाइलेशन शुड स्टार्ट, और उस कंपाइलेशन के साथ जो है ना नेक्स्ट लेवल क्या काम है, नेक्स्ट लेवल क्या काम है वो सब चालू हो जाए, इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंक्लूडिंग बैंक फॉर्मेलिटी, इंक्लूडिंग दिस फॉर्मेलिटी दैट फॉर्मेलिटी। आगे जो स्टार्टअप होंगे उनका रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उनके लिए रिसोर्स, उनके लिए रॉ मटेरियल, उनके लिए स्किल्ड मैन पावर और उनके लिए मार्केट, इन सब की व्यवस्था जो है ना वो सीएफबी करेगा। कोई बात नहीं, तो सामने वाला 24 घंटे अपने जो कॉन्सेप्ट के साथ जो उसको अलॉट किया गया उसके सॉल्यूशन के इम्प्रूवमेंट में लगेगा, उसकी इफिशियंसी में बढ़ाने में लगेगा, और नेगेटिविटी किसी को करने की जगह नहीं मिलेगी। तो हम समृद्ध भारत स्थापित करने में हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, हम जो है कम वेजेस क्यों देना चाहते हैं? हम ज्यादा वेजेस दें? यहीं के वेजेस हैं, आपने अपने जेब में लाए हो क्या? आप बन
आप 1 MSP के नीचे जो है ना तो सवाल ही नहीं, हम तो कह रहे 2 MSP के नीचे आप खरीद ही नहीं सकते हो। तो 2 MSP से 3 MSP के बीच में और आपको खरीदने की हम ताकत दे रहे हैं, तो आप 2 MSP के नीचे भी आराम से उसमें क्यों खरीदना चाहते हैं? सही बात। यदि आपको परचेजिंग की हम सामर्थ्य दे रहे हैं साथ में, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? व्हाई यू वांट टू एग्जिस्ट एट द लोअर लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस? बिल्कुल सही बात है। ऐसी एंड टू एंड व्यवस्था हमें करना होगी, राइट? तो एकदम भिड़ जाइए और जो जो मैंने अभी निर्देश दिए हैं उनको आप एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करिए, मुझे अप्रूवल के लिए भेजिए। अप्रूवल के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो अप्रूवल वाला फंडा है उसका यूज करिए, जिससे इट विल स्टे ऑन रिकॉर्ड और उसको उसका जो है ना सभी चीजें वहां अवेलेबल रहेंगी, हमें जो है ना कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। राइट। और फिर एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द टास्क अमंग द डिफरेंट पीपल, राइट? हाउ टू क्रिएट द बैक ऑफिसेस इन ऑल स्टेट्स, हाउ टू कन्वर्ट दिस एनर्जी विच इज फ्लोइंग इन हिंदी एंड इंग्लिश इन अदर लैंग्वेजेस बाय डबिंग और अदर मीन्स। एंड लेट्स टू ट्राई टू रीच आउट, क्योंकि हम एक कपड़ा सुखाने में जितना समय लगाते हैं, यदि हम 10 करोड़ कपड़े डाल देंगे तो वो उसी समय में वो सूख जाएंगे। सही बात है। तो ये मूर्खता है कि हम एक कपड़ा सुखाएं, ये मूर्खता है कि हम एक काम करें। यदि सभी लोग सभी जगह पे अपना अपना काम चालू कर दें और इसमें कोई भ्रम तो हो नहीं सकता है, और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो सिस्टम अपन ने डिजाइन किया, उसका समाधान भी अपन डिजाइन कर लेंगे। और यदि अपने को समाधान समझ में नहीं आएगा तो कॉस्मोस है ना बताने के लिए, उसको हैंडओवर कर देंगे, 2 या 3 दिन में उसके फाइनल ग्रेन्स अपने पास आ जाएंगे। सही बात है सर, राइट? ये बात तो सर बिल्कुल सर। तो एकदम भिड़ जाइए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर।